बात की जो कंपनी ने अभी डिसीजन किया था कल के दिन में, परसों पे भी जाएंगे, कल के दिन में जो डिसीजन किया था 3070 वाला, उसकी मैं थोड़ी सी मजीद आपको दोबारा जो लोग नहीं थे और जिन्होंने सुनी सुनाई थी उनको चले मैं डायरेक्टली बता देता हूं ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस पूरे नेटवर्क के अंदर, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर, जिसे हम BFIC कहते हैं, BFIC की ब्लॉकचेन के अंदर BFIC कॉइन की एक अहमियत है, उसका एक जो है वो इसकी एक वैल्यू और वर्थ जो है बाकी जितने भी एसेट्स मौजूद हैं उनसे ज्यादा है। उसमें कोई भी एक न्यूज जो है उसमें तब्दीली ला सकती है, कोई भी एक प्रैक्टिकल स्टेप उसके अंदर तब्दीली ला सकता है और उसमें बेहतरी आ सकती है। वो ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे है, उसमें नई एक्सचेंजेस कंपैरेटिवली इजी आ सकती हैं, तो वो एक एसेट है। हम अक्सर जो है वो उस BFIC के बारे में बात करते हैं कि ये इसके होल्डर्स थोड़े हैं, कम होल्डर्स हैं, और उसकी वजह यही है कि लोग जो है, हमारी जो बड़ी कम्युनिटी है, अगर हम इसी नेटवर्क की इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी की बात करें, और अगर ये कम्युनिटी 15 करोड़ लोगों की है, 1.5 करोड़ लोगों की है, जी अगर ये कम्युनिटी 1.5 करोड़ लोगों की है, 15 मिलियन का मतलब यही है, तो अगर ये कम्युनिटी इतनी बड़ी है तो इस कम्युनिटी को ओवरऑल बेनिफिट पहुंचना चाहिए इकोसिस्टम के अंदर किसी भी चीज का, और हर एक की एफिलिएशन रहनी चाहिए। जिसकी एफिलिएशन होती है उसके लिए खुशी होती है, उसी के लिए दुख होता है। आपको आपके किसी अपने की खुशी, अपने का गम ज्यादा असर करता है, आपके लिए अहमियत रखता है, और किसी दूर वाले का जो गम और उसकी खुशी है वो आपके लिए उतनी अहमियत नहीं रखती। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब जिन लोगों के पास BFIC मौजूद हैं उनके लिए BFIC की बड़ी अहमियत रहती है, वो BFIC से जुड़ी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं, बेहतरी की कोशिश भी करते होंगे, तो ये क्योंकि वो होल्डर्स हैं BFIC के, जिस तरह BLV के होल्डर्स जो हैं BLV के केस में बहुत सेंसिटिव होते हैं लेकिन BFIC के केस में बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि बजाहिर उनको लगता है कि BFIC से उनका कनेक्शन नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करती हैं, जहां पे मकसद ये नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंच कर किसी का फायदा किया जाए, या लोगों के कम्युनिटी के नुकसान में कंपनी का फायदा हो, या कंपनी के फायदे में कम्युनिटी का नुकसान हो, ऐसा कोई स्टेप नहीं होता। ये आम रिवायती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हमें अपने आप को क्लियर करना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको लगे कि अच्छा ये प्राइस बढ़ी है तो इससे कुछ कंपनी ने फायदा उठा लिया है, लोग ही फायदा उठा रहे होते हैं, और अगर ये प्राइस गिरी है तो इससे कंपनी ने कोई फायदा उठा लिया है, लोग ही फायदा उठा रहे होते हैं और लोगों का ही नुकसान हो रहा होता है, कम्युनिटी ही कमा रही होती है, कम्युनिटी फायदा कमा रही होती है। आप टोकन बेच रहे हैं, आप अगर 2 सेंट का बेच रहे हैं, 4 सेंट का बेच रहे हैं, तो आप बेचने वाले का नुकसान हो रहा है और खरीदने वाले का फायदा हो रहा है, तो सिंपल एक दूसरे के साथ चलते हैं, और यही पूरी क्रिप्टो की ट्रेडिंग में हो रहा होता है। वो किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, वो किसी एक्सचेंज पे हो, वो ऑफलाइन हो, वो वॉलेट टू वॉलेट हो, वो P2P हो, उसमें ऐसे ही होता है, किसी एक का फायदा चल रहा होता है, दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, कोई एक बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, जिसको जो समझ आ रहा होता है वो अपनी मर्जी से उस वक्त का फैसला कर रहा होता है। BLOV के केस में, BLOV के जो रिवॉर्ड्स हैं, उनके विड्रॉल्स हैं, उनके केस में इस कंपनी ने कम्युनिटी के हाथ में गेम देकर रखी, मेरे और आपके हाथ में गेम देकर रखी कि हमें टोकन्स मिले, 100% हमारी आजादी, 100% हमारी खुद मुख्तारी, हमें साथ एजुकेट किया, हमें गाइड किया कि अगर आप इनको होल्ड करेंगे तो इनकी प्राइस बरकरार रहेगी, अगर आप इनको सेल करेंगे तो इनकी प्राइस कंप्रोमाइज कर जाएगी। हम में से बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया है, कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने होल्ड नहीं किया, नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि प्राइजेस या जो भी चीज होती है वो उसमें फ्लक्चुएशंस जारी रहती हैं, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, वैल्यू जो उसकी ऑफिशियल वैल्यूएशन है उसके अंदर, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है P2P के अंदर, उसके अंदर। तो खैर ये सारी चीजें, इस पे कंपनी को भी कोई इस तरह का एतराज नहीं होता, अगर हो भी तो मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कहूंगा कि कोई मर्जी मत, अपनी मर्जी है यार, मैं किसी को गिफ्ट कर दूं तो मुझे कौन रोक सकता है कि आपने गिफ्ट कर दिए, बेचना तो दूर की बात है ना, तो इसलिए ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप जो भी कर रहे हो। लेकिन यहां हम एक इकोसिस्टम के अंदर हैं, हम इस कंपनी से जुड़े हैं। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं इस कंपनी में उस वक्त जुड़ा हूं जब बजाहिर सिस्टम के अतबार से लोगों को उसकी आखिरी सांसें सुनाई दे रही हूं। इसका मतलब ये है कि कम से कम मैं बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि मैं मुझे फ्यूचर देखकर कि जिसके फ्यूचर के अंदर हम इस कंपनी के साथ, क्योंकि पिछले 20 साल से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं
और 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करने के बावजूद अगर आज भी स्ट्रगलिंग फेज में है तो इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े थे वो हासिल नहीं हुआ। पिछले 10-10 साल से लोग क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं लेकिन अगर आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस पर्पज के लिए वो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में आए थे वो आज भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा जो डिसीजन इस कंपनी के साथ जुड़ने का था जो चंद महीने पहले 6-7 महीने पहले का था उसके पीछे जो लॉजिक और साइंस थी वो यही थी कि कोई ऐसी चीज की जा सके जिसके अंदर फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें हों। कल परसों के दिन के अंदर वो बात दब गई लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है। मैं मेरे रेफरल से 13 लोगों ने 20 स्टोर पे स्टोर क्रिएट किए हैं। ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि वो 13 लोग उस स्टोर के ऊपर सेलिंग करेंगे। इसके इकोसिस्टम में क्या ताकत है? इसके इकोसिस्टम की ये ताकत है कि जिसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हुई कि 13 लोग स्टोर क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। उनमें से कुछ लोग गारमेंट्स के अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अपने वर्चुअल प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन नहीं है, आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स ही बेच सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं लोग जो है उसमें अपने स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, मेरे लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, एक सुकून का सांस है कि मैं एक ऐसे सिस्टम में आया जिस सिस्टम की वजह से मुझे BFIC स्टोर मिला या बी स्टोर मिला। इंटरनेशनल उसकी जो रेगुलेशन है उसकी वजह से उसका नाम BFIC स्टोर की बजाय बी स्टोर के तौर पर अब लिस्ट किया गया है ताकि ग्लोबली जो है उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं मिले। हमें पता है कि उसमें गेटवे के तौर पर BFIC रहेगा और BFIC मौजूद है। तो वो 13, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 13 स्टोर हैं, वो 1300 स्टोर हैं, मैं कुछ मेहनत करूं 6 महीने में, एक साल में उनको 10,000 स्टोर करूं और उन स्टोर्स के ऊपर सेल्स चलें जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे ऑर्डर प्लेस करने हैं, ना मुझे डिलीवर करने हैं, ना मुझे कुछ भी नहीं करना, बट मैंने सिर्फ लोगों को रेफर किया है, उनको थोड़ा सा गाइड करूंगा, टीच एंड ट्रेंड करूंगा, नतीजे के अंदर एक ह्यूज इनकम मेरे पास स्टोर की शक्ल में आना शुरू होगी। ये मैं एक रेफरेंस देते हुए ये बात सुना रहा हूं आपको कि एक खुशी का मकाम था, एक अच्छा लगा कि आप एक कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उन वो सारी इकोसिस्टम से जुड़ी हैं। BFIC क्वाइन की सक्सेस जो है, BLV क्वाइन की सक्सेस जो है, वो मेरे स्टोर की सेल्स पे असर डालेगी, फायदा पहुंचाएगी। इन्हीं बाकी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, बार बार हम उनका नाम लेते रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं वो जो लॉन्च होंगे, चाहे वो सुपर 11 हो या गेम ओके हो या फुल ऑन हो या जो भी प्रोडक्ट्स हमारे सारे रेडी हैं, लॉन्च होने वाले हैं, पाइपलाइन में है, जहां पर भी हैं, 2 महीने में हो, 2 दिन में हो, वो प्रोडक्ट सारे जो हैं वो उनकी सक्सेस का इसके ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है कि आपका और इकोसिस्टम है कि एक प्रोडक्ट दूसरे पे असर डालती है। अपेरेंटली चीजों का एक दूसरे से असर नहीं होता लेकिन इवेंचुअली उनका एक दूसरे पे इंपैक्ट आता है। तो ये हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उसकी पॉलिसीज में जब कोई तब्दीलियां होती हैं, चेंज होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, तो उसके पीछे नीयत भलाई की होती है। कोई ऐसी नीयत नहीं होती। कौन दुनिया में ऐसा आदमी है जो अपना नाम खराब करना चाहे, अपनी रेपुटेशन खराब करना चाहे, अपनी इज्जत खराब करना चाहे? ऐसा कोई बंदा है दुनिया में?